हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। समित पात्रा ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म पर प्रहार गांधी परिवार का चरित्र है। पात्रा ने कहा कि विकीलीक्स से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर मचे बवाल पर समित पात्रा ने कहा कि किताब संयोग नहीं प्रयोग है। पुराने बयानों का हवाला देते हुए समित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल ने मंदिर जाने वालों को लफंगा कहा था। एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर। सलमान खुर्शीद की किताब पर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताया। कांग्रेस डिजिटल कैंपेन के उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैलाया है और कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार की है। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। आज अमित शाह के यूपी दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो आजमगढ़ जाएंगे। दौरे के पहले दिन अमित शाह कल वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के सभी 403 विधानसभा के प्रभारी मौजूद रहे, साथ ही जिला प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए। भारत बंद के आह्वान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में हिंसक मोड़ ले लिया है। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई हैं, वहीं पुलिस पर भी पथराव हुआ। इस घटना ने शिवाजी नगर इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बना दिया। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा घटना के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। नांदेड़ में मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी हुई। चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रहे थे। गायत्री और अन्य 6 लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप लगाया था। देश की आजादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भारी पड़ गया है। राजस्थान के जोधपुर और चूरू जिले में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया। 10 नवंबर को कंगना ने सार्वजनिक मंच पर यह बयान दिया कि 1947 में भारत को जो आजादी मिली वो आजादी ही नहीं, एक भीख थी। इससे पहले मुंबई की आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने भी कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आजादी पर विवादित बयान देकर कंगना रनौत तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस एनसीपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कंगना के बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया, साथ ही कहा कि राष्ट्रपति को कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री सम्मान वापस ले लेना चाहिए। देश में जल्द ही सारी ट्रेनें पुराने नाम और नंबर से चलने लगेंगी। रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर 1700 ट्रेनों को पुराने किराए पर बहाल करने का आदेश दिया। अब कोरोना से पहले की तरह ये ट्रेनें चलेंगी। इससे कोरोना की वजह से ट्रेनों में वसूला जाने वाला स्पेशल चार्ज नहीं लगेगा। अब तक कई स्पेशल ट्रेनों में ज्यादा किराया वसूला जा रहा था। जनरल क्लास का टिकट अब भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रेनों और स्टेशनों पर कोविड प्रोटोकॉल भी जारी रहेंगे। जिन्ना को लेकर जारी विवाद की आंच बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में सहयोगी दलों में इस मुद्दे पर टकराव हो रहा है। नीतीश के एमएलसी ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना को चाहने वाले पाकिस्तान चले जाए। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने अखिलेश की तरह जिन्ना की तारीफ की और कहा कि जिन्ना एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उलझ गई है मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी का मूवमेंट चला उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। इस पर बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें।
एसटी आर्यन खान से। ड्रग्स केस में एनसीबी की ऑपरेशन टीम ने की 6 घंटे की पूछताछ। आर्यन खान नवी मुंबई के तलोजा स्थित रेफ कैंप पहुंचे, जहां क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी ऑपरेशन टीम ने उनसे सवाल किए। क्रूज ड्रग केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ भी एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। इस टीम ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। प्रभाकर सेल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कुछ गवाहों के बयान अभी भी होने। जो हमारे मुख्य विटनेस थे प्रभाकर सेल, उन्होंने इस बार आके अपना बयान दर्ज कराया है। और भी एक दो इंपॉर्टेंट विटनेसेस को हम लोगों ने एग्जामिन किया है। जांच की गति और दिशा से एनसीबी सूत्रों की माने तो प्रभाकर सेल का यह दावा कि 2 अक्टूबर की रात किरण गोसावी ने समीर वानखेड़े को कॉल किया था, जांच में झूठ पाया गया है। असल में सेल खुद गोसावी से मिला हुआ था और वही कर रहा था जो गोसावी उसे करने के लिए कह रहा था। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 2 बार प्रभाकर सेल का बयान दर्ज किया है और 1 बार एनसीबी की ऑपरेशन एसआईटी टीम ने। कड़ाके की ठंड में पोलैंड बेलारूस सीमा पर फंसे शरणार्थियों की मदद के लिए पोलैंड के लोगों ने बढ़ाया हाथ। ठंड से कांप रहे शरणार्थियों को फायर स्टेशन और स्कूलों में रखा गया। स्थानीय लोगों ने खाने पीने के सामानों से भी की मदद। पोलैंड की सरकार ने देश में शरणार्थियों के आने पर लगा रखी है पाबंदी। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करने पोलैंड बेलारूस सीमा पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा। हाल के दिनों में बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है पोलैंड। सीरिया, यमन और इराक से आने वाले शरणार्थियों को अब तुर्की से बेलारूस के लिए नहीं मिलेगा हवाई टिकट। तुर्की सरकार ने बेलारूस में बढ़ रहे शरणार्थी संकट के बाद लिया फैसला। तुर्की पर शरणार्थी को यूरोप भेजने में शामिल होने का लगता रहा है आरोप। ब्लैक सी में ब्रिटिश लड़ाकू विमान का पता लगाने के लिए रूस ने भेजे अपने लड़ाकू विमान। रूस ने ब्रिटेन पर क्रीमिया के पास अपने टूही विमान भेजने का लगाया आरोप। रूसी लड़ाकू विमानों द्वारा खदेड़ने के बाद ब्रिटिश टूही विमान ने बदला रास्ता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता हुआ साफ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शक्तियां बढ़ाने के लिए प्रस्ताव हुआ पास। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद ये अपनी तरह का है केवल तीसरा प्रस्ताव। 2018 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा खत्म कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने पेरिस शांति शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी असमानता से लड़ने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की कही बात। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कोरोना वैक्सीनेशन में समानता का किया समर्थन। अफ्रीका समेत दुनिया भर के गरीब देशों में बेहद कम है वैक्सीनेशन की रफ्तार। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ जबरदस्त बम विस्फोट। नंगरहार में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ बम विस्फोट। 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आईएस आतंकवादियों पर बम हमले का जताया जा रहा है शक। चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाले सूडान के सेना प्रमुख ने देश के नए मुखिया के तौर पर ली शपथ। देश में जल्द चुनाव कराने की कही बात। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में विगर मुसलमानों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। विगर मुसलमानों पर अत्याचार और चीन द्वारा शिनजियांग इलाके पर अवैध कब्जे पर जताया गया विरोध। ये प्रदर्शन चीन के शिनजियांग प्रांत में 1930 और 40 के दशक में कुछ समय के लिए बने ईस्ट तुर्किस्तान देश के स्थापना दिवस की बरसी पर किया गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में ऑस्ट्रेलिया में किया प्रदर्शन। एक्सटिंक्शन रिवेलियन नाम के ग्रुप ने ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री के दफ्तर के बाहर रखा गोबर। COP26 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के काम से खफा है प्रदर्शनकारी।